हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट ग्यासुद्दीन बलबन फ्रॉम 1266 टू 1287 एडी, द नाइन्थ रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट इल्तुतमिश सक्सेसर। वी स्टडीड दैट फ्रॉम द टाइम ऑफ नासिरुद्दीन महमूद, बलबन हैड ग्रोन इन अ पावरफुल पर्सनैलिटी। ही वॉज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ द पावर। Now in this video we will study about that how he got the throne and started work as a ruler. Now let's start our study. So firstly we will know about his life. Ghiyasuddin Balban, his real name was Bahauddin. His real name was Bahauddin. Bahauddin, and he got so many title like Ghiyasuddin, Ghiyasuddin, and Ulugh Khan, Ulugh Khan. And third one is Jille Ilahi, Jille Ilahi. Jille Ilahi. Now we will study about his early life. Introduction. Ghiyasuddin was the regent of the last Shamsi Sultan Nasiruddin Mahmud. He reduced the power of the nobility and heightened the stature of Sultan. His original name was Bahauddin. He was an Alwari Turk. Balban belonged to the famous group of 40 Turkish slaves of Iltutmish. Ghiyasuddin Balban jo tha wo Nasiruddin Mahmud जो इल्तुतमिश का सक्सेसर था नासिरुद्दीन महमूद लास्ट, उसका एक रेजेंट था। और उसने क्या किया, बलबन ने जो राजा था उसकी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया और जो नोबिलिटी की पावर थी उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया। उसका ओरिजिनल नेम बहाउद्दीन था और वह एक इलवारी टर्क था। बलबन बिलोंग टू द फेमस ग्रुप ऑफ 40 टर्किश स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। और जो बलबन था वो इल्तुतमिश के 40 टर्किश स्लेव से बिलोंग करता था। जो इल्तुतमिश था उसने एक ग्रुप बनाया था 40 टर्किश स्लेव का, जिसको चहलगानी कहा जाता था। तो बाद में जब इल्तुतमिश के जो सक्सेसर थे वो जब कमज़ोर हुए, वीक हुए, तो उस टाइम जब तक जो टर्किश स्लेव थे, सॉरी टर्किश नोबल्स थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे बलबन के टाइम तक। तो बलबन भी उसी ग्रुप में से एक था। Now we will study about his early life. He was the son of Central Asian Turkish noble. As a child, he and other from his tribes were captured by the Mongols and sold as slave in the Ghazni. जो बलबन था वो एक Central Asian Turkish noble का बेटा था। और जब वो था छोटा था और उसका भाई था उसके साथ में, मतलब उनके जो क्लेन थे, उसके जो लोग थे, उनको मंगोल्स के द्वारा पकड़ लिया गया था और उनको गजनी ले जाकर स्लेव्स के रूप में बेच दिया गया था। तो वहाँ पर उसको एक ख्वाजा जमालुद्दीन नाम का व्यक्ति था बादशाह का, उसने उसको ख़रीद लिया और उसी ने उसको नाम दिया था बहाउद्दीन। बलबन को किसने, ख्वाजा जमालुद्दीन बादशाह ने बलबन को ख़रीदा और उसको बहाउद्दीन नाम निकनेम दिया। The Khwaja brought him to Delhi, where he had the other slaves were brought by Sultan Shamsuddin Iltutmish, himself a captured Alwari Turk in origin in 1232. और जो ख्वाजा था उसको दिल्ली लेकर आया और वहाँ पर उसने उसको इल्तुतमिश को बेच दिया, इल्तुतमिश को बेच दिया, जो खुद एक अलवारी टर्क था जिसको 1232 में एक स्लेब्स के रूप में ख़रीदा गया था। एंड कहा जाता है कि जो बलबन था, बलबन और उसका भाई दोनों को जो ख्वाजा था बेचने लाया इल्तुतमिश के पास, तो इल्तुतमिश ने बलबन को ख़रीदने से मना कर दिया था। इब्न बतूता सेड दैट इल्तुतमिश हैड डिनाइड टू बाय हिम बिकॉज ही वॉज
नॉट गुड लुकिंग, है ना, ही वॉज नॉट गुड लुकिंग. देन बलवंत सैड हिम दैट यू हैव बाय 99 स्लेव्स फॉर यू, यू कैन बाय मी फॉर द गॉड. देन इब्न सॉरी इल्तुतमिस हैज वॉट हिम. बलवंत वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड एज अ सिंपल वाटर करियर एंड बट क्विकली रोज टू द पोजिशन ऑफ खासदार किंग्स पर्सनल अटेंडेंट बाय द सुल्तान. इसलिए जब इल्तुतमिस ने बलवंत को खरीदा शुरू में, तो उसको सिर्फ एक वाटर पानी ले जाने लाने ले जाने वाले के रूप में नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था, क्योंकि वो ज़्यादा हैंडसम नहीं था, अच्छा उसकी शक्ल ज़्यादा सुंदर नहीं थी. तो ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिस ने उसको सिर्फ पानी लाने ले जाने के काम को सौंप दिया था. लेकिन अपने काम के द्वारा, अपनी एबिलिटी से, वो जल्दी ही जो खासदार होते हैं यानी कि किंग के पर्सनल अटेंडेंट होते हैं, उसकी पोजीशन पर वो पहुँच गया. ही बीकेम वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल ऑफ द 40 टर्किश नोबल ऑफ दिल्ली ऑफ द 40. और जो 40 ग्रुप था 40 नॉवल्स का, उसका वो बहुत जल्दी उसने वह वहाँ का एक नोटेबल पर्सन बन गया उस ग्रुप का. बहुत अच्छा, मतलब अपनी उसने इतनी अच्छी पोजीशन होल्ड कर दी अपने कामों के द्वारा कि वहाँ पर वो जाना पहचाना जाने लगा. ड्यूरिंग द रेन ऑफ रजिया सुल्तान ही वॉज ए आमिर शिकार और लॉर्ड ऑफ द हन, अ पोजिशन ऑफ सम इम्पोर्टेंस एट द टाइम हैविंग मिलिट्री एंड द पॉलिटिकल. और जब रजिया सुल्तान के शासन था उस समय वह अमीर शिकार के एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पर था, जिसे बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन माना जाता था उस टाइम मिलिट्री और पॉलिटिकल के रूप में. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उस पर बहुत ज़्यादा, मिलिट्री और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आफ्टर हर ओवरथ्रो ही मेड रैपिड स्ट्राइड्स इन द सब्सिक्वेंट रेन्स, अर्निंग द फीफ ऑफ रेवारी अंडर बहराम शाह एंड लेटर बीकेम द जागीर लॉर्ड ऑफ हांसी, विच वॉज एन इम्पोर्टेंट फीफ. और जैसे जैसे जब रजिया के बाद दूसरे सक्सेसर हुए इल्तुतमिस के, उनके शासन के दौरान वह अपने पद जो थे बढ़ते गए, उसकी पोस्ट इंक्रीज होती गई उसकी पोजीशन, और वो आगे सब्सिक्वेंट रेन्स में क्या हुआ, और ज़्यादा उनने जो फीफ थी रेवारी की, बहराम शाह के अंडर में उसे रेवारी की फीप मिली, और उसके बाद जागीर ऑफ हांसी, हांसी की जो जागीर थी उसको दे दी गई, मतलब फीप, विच वॉज एन इम्पोर्टेंट फीप, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीप मानी जाती थी. बलवन वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ओवरथ्रो ऑफ अलाउद्दीन मसूद, इंस्टॉलिंग नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान एंड हिमसेल्फ एज हिज वजीर फ्रॉम 1246 टू 1265. महमूद मैरिड वन ऑफ बलवंत्स डॉटर. बलवंत ऑल्सो इंस्टॉल्ड किशलू खां हिज यंगर ब्रदर एज अ लॉर्ड चैम्बरलिन अमीर ए हाजिब एंड अपॉइंटेड हिज कजिन शेर खां टू द जागीर ऑफ लाहौर एंड भटिंडा. एंड बलवंत वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ओवरथ्रो अलाउद्दीन मसूद. जब अलाउद्दीन मसूद को हटाया गया और नासिरुद्दीन महमूद को शासन दिलाया गया, जब उसको थ्रोन पर बैठाया गया, तो उसमें जो बलवंत था वो भी शामिल था, और उसने खुद को नासिरुद्दीन महमूद के समय में खुद को वजीर की पोस्ट पे बैठा लिया. जो प्राइम मिनिस्टर होता था उसकी पोस्ट खुद को, खुद के लिए सेव की, और 1246 से 1265 तक वह वजीर की पोस्ट पे रहा. महमूद जो था उसने महमूद की को के साथ अपनी एक बेटी की शादी कर दी. एंड बलवंत ऑल्सो इंस्टॉल्ड किशलू खां, एक किशलू खां उसका भाई था, जो छोटा भाई था, उसने उसको लॉर्ड चैम्बरलेन, जो अमीर हाजिब था उस टाइम का, बहुत अच्छा पद होता था, उस पर उसको अपॉइंट किया, और अपने कज़िन शेर खां को लाहौर और भटिंडा की जागीर दी, यानी कि वहाँ की लैंड दे दी उसको. बलवंत रेन अकॉर्डिंग टू जियाउद्दीन वर्नी वॉज टू इंस्टॉल फियर ऑफ गवर्निंग पावर विच इज बेसिस ऑफ ऑल गवर्नमेंट गुड गवर्नमेंट. और जियाउद्दीन बर्नी कहता है, अकॉर्डिंग टू जियाउद्दीन बर्नी, जो बलवंत का शासन था, बलवंत का टाइम था, वो गवर्निंग राजा के डर का समय था. उसने क्या किया उस टाइम, जब बलवंत सिंहासन पर बैठा था, उससे पहले क्या हुआ था, नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पर जो शासन था, जो राजा था, उसकी शक्ति बिल्कुल नाम मात्र की रह गई थी. उसके पास कोई पावर नहीं थी, सारी जो पावर थी वो 40 जो नॉवल्स थे, जो टर्क नोबल थे, वो उनके हाथों में थी, और वही पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल थे. तो वो बिल्कुल जो राजा का एक डर होता है जनता में या लोगों में,
और जो उसके कर्मचारी होते हैं उनमें जो डर होता है उस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो जब बलवन गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले उसे पता चला, क्योंकि वो उन लोगों के साथ था और उनको अच्छी तरह जानता था 40 नॉवल्स को, कि वो कैसी साजिशें करते हैं, कैसे कैसे वहाँ पे राजा के विरुद्ध बातें करते हैं, तो वो उनसे अच्छी तरह परिचित था, जानता था। तो इसलिए सबसे पहले उसने जब राजा बना तो उसे पता था कि अगर मैंने इनको दमन नहीं किया, इनको ख़त्म नहीं किया, तो ये मुझे भी ज़्यादा दिन तक राजा नहीं रहने देंगे। तो इसलिए उसने एक पॉलिसी बनाई थी, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। तो क्या हुआ, फर्दर मोर ही मेंटेन दैट द सुल्तान वॉज द शेडो ऑफ गॉड एंड इंट्रोड्यूस रिगरस गॉड्स डिसिप्लिन। और इसीलिए जब उस वह राजा बना तो उसने सबसे पहले क्या किया, सबको कहा कि जो गॉड है, इस सॉरी किंग है, वो गॉड की शेडो है। तो उसका यानी कि गॉड की शेडो है तो कोई उसको उसके अगेंस्ट रिवेल नहीं कर सकता, उसके जो भी डिसीजन होंगे उनको सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई गॉड की शेडो है तो यानी कि गॉड के द्वारा सारे जो डिसीजन है वो दिए जा रहे हैं ना। तो उसने सबसे पहले अपने आप को गॉड की शेडो बताया, और उसके बाद बहुत जो कोर्ट का डिसिप्लिन था बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाए कोर्ट के डिसिप्लिन को बनाने के लिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हिज मिलिट्री कैंपेन्स। हिज फर्स्ट कैंपेन वॉज द अगेंस्ट बंगाल व्हेन द गवर्नर ऑफ बंगाल तुगरल तुगहान खान रिवोक द अथॉरिटी ऑफ दिल्ली इन 1275। बलवन फर्स्ट सेंट टू द गवर्नर ऑफ अवध एंड देन सेकेंड आर्मी बोथ ऑफ विच मेट विद द फेलियर। और जो बंगाल था, बंगाल का एक शासक था, शासक क्या था, वो बलवन का दास ही था, स्लेब था वो, तुगरल तुगहान खान स्लेब था बलवन का। उसने वहाँ पे उसको बंगाल में गवर्नर बना दिया था, लेकिन तुगरल तुगहान खान ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और अपने आप एक टाइटल ले लिया अपना सुल्तान मुगुसुद्दीन का, और ख़ुद को इंडिपेंडेंट घोषित करने के बाद उसने वहाँ पर रिवोल्ट कर दिया। तब बलवन ने उसके खिलाफ लड़ने के लिए आर्मी भेजी। पहली जो आर्मी थी वो अवध के जो गवर्नर था उसके अंडर में गई, और उसके बाद दूसरी आर्मी गई, लेकिन दोनों जो थे वो फेल हो गए। बलवन देन अकम्पनीड द थर्ड आर्मी विच रिकॉन्कर्ड द कंट्री साइड किलिंग तुगरल एंड हिज फॉलोअर्स। और उसके बाद बलवन खुद अपने आर्मी लेकर गया, खुद उसने आर्मी के साथ गया, और उसके बाद उसने क्या किया, वहाँ पर जो पूरा एरिया था कंट्री साइड का उसको दोबारा से जीत लिया और तुगरल खान को मार दिया और उसके जो फॉलोअर्स थे उनको भी मार दिया। हिज सन नासरुद्दीन बुगरा खान असिस्टेड हिम इन दिस मिशन। और उसका जो बेटा था मुगरा खान, उसने उसको इस मिशन में असिस्ट किया था। नाउ दिस इज द टाइम फॉर क्वेश्चन, हु डिड परचेस बलवन इन द बिगिनिंग, यू हैव टू आंसर इन कमेंट बॉक्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिज नेक्स्ट कैंपेन अगेंस्ट मेयो और मायो। वन ऑफ द फेमस मिलिट्री कैंपेन ऑफ बलवन वॉज अगेंस्ट मेयो और मायो, द पीपल ऑफ मेवात हु यूज्ड टू प्लंडर द पीपल ऑफ दिल्ली इवन इन द डे लाइट। और उसका जो नेक्स्ट कैंपेन था वो मेवात के लोग थे, उनको मेओ या मेव बोला जाता था, मेवाती बोलते हैं उनको हिंदी में, मेवाती और कटिहार जो लोग थे, ये था 1267 में, 1267 में ये लोग जो थे क्या करते थे, वहाँ पर अगर दिन में भी कोई जा रहा है उसको लूट लेते थे, मार देते थे लोगों को रास्ते, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्होंने प्लंडर मचा रखा था वहाँ पे। सब कोई भी जाता था किसी को दिन चलते राह चलते लूट लेते थे सामान, लोगों को मार देते थे। तो बलवन टुक अपन हिमसेल्फ एंड एक्सटर्मिनेटिंग द ट्रिबुलेंट ट्राइब्स ऑफ मेवात एंड अवध, डिस्ट्रॉइंग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एंड ब्लेजेस। और उसके बाद बलवन ने क्या किया, वहाँ पे उनको टर्मिनेट करना शुरू कर दिया, पूरी ट्राइब को टर्मिनेट कर दिया मेवात और अवध में जो भी थी, और उनके जो ब्लेजेस में उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे जहाँ पे उनकी पकड़ थी अच्छी, उनको भी नष्ट कर दिया। देन ही वुल्ड मिलिट्री आउटपोस्ट गेव लैंड टू द सोल्जर्स एंड अफगान्स टू सेटल। और उसके बाद उसने उस एरियाओं में क्या किया, वहाँ पर अपनी मिलिट्री की आउटपोस्ट बनाई और वहाँ पे अपने सोल्जर्स और अफगान्स जो थे उनको वहाँ पे सेटल किया। ही गैरिसन
forts at the key location, cleared forest and ensured safe roads. और उसके बाद उसने वहाँ पे अपने forts बनाए और वहाँ की जो location थी, key location थी, उन पर अपने forts बनाए, like भोजपुर, पटियाली, कांपिल एंड जलाली. और उसके बाद वहाँ के जो forest थे उनको clear किया और जो roads थी उनको, उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ वर्क ऑफ बलबन एज अ वजीर. इन 1247 बलबन सप्रेस्ड द राइजिंग ऑफ द चंदेला चीफ ऑफ कालिंजर एंड हिज नेक्स्ट कैंपेन वाज अगेंस्ट द कालिंजर. इन 1247 बलबन ने क्या किया, जो चंदेला चीफ था कालिंजर का, उसको सप्रेस्ड किया. Repelling Mongol army, Balwan military rank also distinguished with his success repelling Mongol army. और उसका जो बलवन का रीन है वो इसलिए भी बहुत उसका महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि उसने जो मंगोल आर्मी थी उसको वापस जाने के लिए मजबूर किया. This could be achieved because his cavalry horse were better suited to Indian climate and naturally ब्रेड लार्जर देन मंगोल्स हॉर्सेस. और ये इसलिए पॉसिबल हो चुका हुआ क्योंकि जो बलवन के हॉर्सेस थे और उसकी जो घुड़सवारी सेना थी वो इंडियन क्लाइमेट को उसको बहुत ज़्यादा सूट करता था, लेकिन जो मंगोल्स आर्मी थी उनको यहाँ का इंडियन क्लाइमेट सूट नहीं करता था, तो इसलिए ये पॉसिबल हो चुका. द एक्सट्रीम हीट ऑफ समर कॉन्स्टिट्यूटेड द मंगोल्स प्रॉब्लम इन इंडिया एज द कोटेशन फ्रॉम जुवेनी इंडिकेट. और जैसा कि जुबैनी ने एक कोटेशन दी है कि जो यहाँ की इंडिया की बहुत ज़्यादा हीट थी, बहुत गर्मी वाली समर थी, वो मंगोल्स को सूट नहीं आई यहाँ पे. मंगोल्स तो क्योंकि वो ठंडे प्रदेशों के थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो उनको वो सूट नहीं किया, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं टिक पाए और वापस चले गए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल. यू कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट हिज reign as Sultan. Since Sultan Nasruddin did not have a male heir, so after his death Balwan declared himself as the Sultan of Delhi. क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद का कोई भी बेटा नहीं था, मतलब उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसलिए जब उसकी डेथ हुई उसके बाद बलवन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया. बलवन ascended the throne in 1266. एट द एज ऑफ 60 विद द टाइटल ऑफ सुल्तान गयासुद्दीन बलवन. और बलवन ने जो थ्रोन था उसको असेंडेड किया कब, 1266 में. एट द एज ऑफ, उस टाइम उसकी जो एज थी वो 60 ईयर थी. और तब जब वो राजा बना उसने टाइटल किया धारण सुल्तान गयासुद्दीन बलवन. ठीक है, कब बना था वह राजा, 1266 एडी में. और राजा बनने के बाद उसने टाइटल ग्रहण किया सुल्तान गयासुद्दीन बलवन. एंड आफ्टर बीइंग द सुल्तान ही स्टार्टेड सम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाइप्ड आउट द चहलगानी. ड्यूरिंग हिज रेन बलवन रूल्ड विथ एन आयरन फीस्ट. ही ब्रोक अप द चहलगानी अ ग्रुप ऑफ 40 मोस्ट नोवल important novels in the court. Balwan wanted to make sure everyone was loyal to the crown by establishing an efficient espionage system in the style of the Umayyad Warid. और जैसे ही वो राजा बना उसने सबसे पहला काम क्या किया कि जो चहलगानी थी उसको ख़त्म कर दिया भाई, क्योंकि वो खुद उसका एक मेंबर था चहलगानी का और वो जानता था कि जब तक चहलगानी को ख़त्म नहीं किया जाएगा और राजा की पावर को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक राजा को ज़्यादा दिन तक ये टिकने नहीं देंगे. इसलिए उसने सबसे पहले चहलगानी को ही ख़त्म किया. जो 40 इम्पोर्टेंट नॉवल्स थे कोर्ट में उनका एक ग्रुप था, उसको कहा जाता था चहलगानी, जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था. और बलवन चाहता था कि जो कोर्ट के जितने भी लोग हैं वो राजा के प्रति लॉयल रहें, वफादार रहें, है ना. और इसीलिए वो अपना एक अच्छा एफिशिएंट इफ़ेक्टिव जो राज था उसको, सिस्टम को करना चाहता था जैसे कि उमैया वरीद के किया करते थे.
उन्हीं के अकॉर्डिंग उसने भी अपना एक सिस्टम था, अपने राज्य को वो एस्टेब्लिश करना चाहता था अच्छी तरीके से, इसलिए सबसे पहले उसने राजा की शक्ति को, पावर को बढ़ाना शुरू किया। एंड ही एस्टेब्लिश अम्बरीश, सुल्तान बलवन हैड स्ट्रॉन्ग एंड वेल ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस सिस्टम। बलवन एम्प्लॉयड स्पाइज बरीज टू इंफॉर्म ऑन हिज ऑफिशियल। और अगर भी राजा शासन कर रहा है तो मतलब कोई उसके खिलाफ़ अगर कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई रिवोल्ट करना चाह रहा है, किसी के मतलब लोग आपस में षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उसकी जानकारी कहाँ से होगी? उसके लिए उसको स्पाइस की ज़रूरत होगी ना, स्पाइस की ज़रूरत होगी। तो इसलिए उसने सबसे पहले एक क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया जिनको बरीज कहा जाता था, द ग्रुप ऑफ स्पाइस दे कॉल्ड बरीज, जिससे कि उसको सारी इंफॉर्मेशन लोगों की उसको मिलती रहे टाइम टू टाइम। ही प्लेस सीक्रेट रिपोर्टर्स एंड न्यूज राइटर्स इन एवरी डिपार्टमेंट। द स्पाइस वर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हु वर ओनली आंसरेबल टू सुल्तान। और उसने उसके लिए सीक्रेट रिपोर्टर्स और न्यूज़ राइटर्स को हर डिपार्टमेंट में इस्टेब्लिश किया, रखा, उनको प्लेस्ड किया। और जो स्पाइस थे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी थे, जो सिर्फ किसके लिए आंसरेबल थे, सिर्फ सुल्तान के लिए आंसरेबल थे, वो और किसी के लिए आंसरेबल नहीं थे। यानी कि कोई भी उनको दबा नहीं सकता था, उनको डरा नहीं सकता था, और उन्हें सिर्फ सुल्तान को ही अकाउंटेबिलिटी होती थी उनकी, और किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट वॉज द पोस्ट ऑफ बलवन ड्यूरिंग द रेन ऑफ रजिया? यू कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिज पनिशमेंट प्रोसीजर। बलवन हैड हिज नोबल्स पनिश्ड मोस्ट हार्शली फॉर एनी मिसहैप, इंक्लूडिंग सीवियर ट्रीटमेंट्स ऑफ देयर ओन स्लेव्स। जो बलवन था उसने जो उसके नोबल्स थे उनको जो बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से पनिश्ड किया, अगर उन्होंने कोई भी मिसहैप किया था, कोई भी गलत काम करते थे, उसके लिए बहुत कठोर पनिशमेंट देता था। यहाँ तक कि अगर वो अपने स्लेव्स को, जो उसके अमीर थे, वो अपने स्लेव्स के खिलाफ उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, उनके साथ अत्याचार करते थे, तो वो उनको भी बहुत कठिन पनिशमेंट देता था। वन ऑफ हिज नोवल मलिक बकबक, और उसका एक नोवल था मलिक बकबक, द गवर्नर ऑफ बदायूं, वॉज पनिश्ड फॉर ऑर्डरिंग वन ऑफ हिज स्लेव्स टू बी बीटन टू द डेथ अपेरेंटली व्हेन बीइंग ड्रंक। और उसका एक नोवल था मलिक बकबक, जो बदायूं का गवर्नर था, उसे इसलिए पनिशमेंट दिया उसने क्योंकि बकबक ने अपने एक दास को, अपने एक स्लेव को, जब वो नशे में था बकबक, उसने अपने दास को तब तक पीटने का आदेश दिया था कि जब तक वो मर ना जाए। इसलिए बलवन ने मलिक बकबक को बहुत कठिन पनिशमेंट दिया था। अनदर गवर्नर हैवत खान वॉज हैंडेड ओवर द स्लेव्स बिडोज फॉर पनिशमेंट। और एक और दूसरा गवर्नर था हैवत खान, उसको भी स्लेव की बिडो को हैंडेड ओवर कर दिया गया था कि मतलब जो तुम इसको पनिशमेंट देना चाहते हो वो पनिशमेंट दे सकते हो। अबाउट हिज जस्टिस डॉक्टर स्मरि प्रसाद रिमार्क्ड, और उसके जस्टिस के बारे में स्मरि प्रसाद ने रिमार्क किया है, सो ग्रेट वॉज द ड्रेड ऑफ सुल्तान्स इनएक्सरेबल जस्टिस दैट नो वन डेड टू इल ट्रीट हिज सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। स्मरि प्रसाद ने कहा है कि उसका, सुल्तान का जो जस्टिस था वो इतना इनएक्सरेबल था कि किसी, कोई भी अपने स्लेव या सर्वेंट के साथ इल ट्रीट करने की, उनको इल ट्रीट करने की कोई भी डेयर नहीं कर सकता था, हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो लोग अपने ही स्लेव और अपने सर्वेंट को मिसबिहेव करें उनके साथ या उनको इल ट्रीटमेंट दें। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। ही डिपेंडेड अपॉन टर्किश नोबिलिटी बट फॉर्म्ड एन आर्मी ऑफ 2 लाख मेड अप ऑफ ऑल कास्ट। अ पोर्शन ऑफ दिस आर्मी वॉज मेड अप ऑल कमेंडोज। बलवन हैड सेवरल मिलिट्री अचीवमेंट ड्यूरिंग हिज विजीरहुड। बलवन रीऑर्गेनाइज द मिलिट्री अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ मंगोल्स। He organized an army department called Diwan-e-Arz। और क्योंकि बलवन जानता था कि अगर एक इफ़ेक्टिव जो शासन है चलाना है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, उसके लिए एक मजबूत आर्मी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए उसने एक 2 लाख लोगों की
आर्मी बनाई, न्यू आर्मी, उसको रीऑर्गेनाइज किया, उसमें सभी कास्ट के लोग थे। और एक इसने नया डिपार्टमेंट बनाया जिसको दीवाने अर्ज कहा जाता है, दीवाने अर्ज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी, ठीक है, उसको रीऑर्गेनाइज किया। और उसको डर भी रहता था कि कहीं मंगोल दोबारा से उसको इन्वेड ना कर दें, दोबारा से उसके ऊपर आक्रमण ना कर दें, इसलिए उसके लिए भी उसको एक मजबूत आर्मी की ज़रूरत थी। और जो आर्मी थी उसका एक पोर्शन जो था, पोर्शन ऑफ दिस आर्मी वॉज मेड ऑफ कमांडोज, उसका एक पोर्शन कमांडोज से बना हुआ था। और बलवन ने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन किए थे जब वो वज़ीर था उस टाइम भी, इसलिए उसको पता था कि आर्मी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, राजा को अच्छे तरीके से काम करने के लिए। ही स्टार्टेड नॉन इस्लामिक रिचुअल्स, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु स्टार्टेड नॉन इस्लामिक रिचुअल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिज नॉन इस्लामिक रिचुअल्स। बलवन वॉज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज। बलवन पहला राजा था, पहला मुस्लिम राजा था जिसने एक पर्शियन फेस्टिवल नौरोज को अपने दरबार में लागू किया था, चालू किया था। ही स्टार्टेड ईरानियन मेथड सिजदा एंड पावोस टू द सुल्तान इन इंडिया। और उसने एक ईरानियन मेथड था सिजदा एंड पावोस, सिजदा एंड पावोस यानी कि इसके द्वारा जो राजा होता है, जो राजा के दरबार में लोग होते हैं वो बैठ कर उसके पैरों को चूमते हैं, पैवोस में सिजदा करते हैं, ये रिचुअल उसने चलाया। और क्यों चलाया उसने, क्योंकि वो राजा की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, वो दिखाना चाहता था कि जो राजा है वो तो भगवान का अवतार है, गॉड का अवतार है, तो तुम उसके पैर चूमो सारे जो लोग हैं, जिससे कि लोग बाद में उसके खिलाफ मतलब आवाज़ ना उठा सकें। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द पर्सियन फेस्टिवल नवरोज, नवरोज मीनिंग ऑफ न्यू ईयर। ही हिमसेल्फ कॉल्ड द नियावते खुदाई। और उसने एक पर्शियन फेस्टिवल था नवरोज, वो भी इंट्रोड्यूस किया जिसका मतलब होता है न्यू ईयर। और ही हिमसेल्फ कॉल्ड द नियावते खुदाई, और वो खुद को नियावते खुदाई कहा करता था, यानी कि खुदा का अवतार खुद को कहता था, जिससे कि लोग उसको समझें कि हाँ भाई ये तो खुदा का अवतार है, तो हम खुदा का कैसे अपोज कर सकते हैं, हम उसका कोई रेबेल नहीं कर सकते खुदा के खिलाफ। इसलिए उसके जितने भी काम थे बलवन के, वो सारे जो उसके कार्य थे या सुधार थे, उसने सब कुछ क्या किया, किस लिए किए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि किंग की पावर को बढ़ाने के लिए। नाउ डेथ एंड लेगेसी। गियासुद्दीन बलवन रूल्ड एज अ सुल्तान फ्रॉम 1265 अंटिल हिज डेथ इन 1287। और गियासुद्दीन ने 1265 से जब तक कि उसकी डेथ हुई 1287 तक शासन किया। बलवन एयर वॉज हिज ओल्डर सन प्रिंस मोहम्मद खान, बट ही पेरिश्ड इन बैटल अगेंस्ट द मंगोल ऑन 9 मार्च 1285। और जो बलवन का उत्तराधिकारी था वो उसका बड़ा बेटा था प्रिंस महमूद खान, लेकिन वह एक मंगोल इन्वेशन के दौरान जब मंगोल से बैटल हो रहा था तो 9 मार्च 1285 को वह मर गया था। His other son Bughra Khan was reluctant to assume the throne and sought to remain the ruler of Bengal instead. और जो उसका दूसरा बेटा था Bughra Khan, उसने वहाँ पे दिल्ली का जो थ्रोन था उसे उस पर आने से या उस पर बैठने से मना कर दिया, वो सिर्फ बंगाल का ही जो राजा बना रहना चाहता था। बलवन therefore chose his grandson के खुसरो son of Prince Muhammad एज हर apparent। और इसलिए जो बलवन था उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटे मोहम्मद के बेटे यानी कि उसका grandson के खुसरो को चूज़ किया। However, after his death, his nobles nominated कैकुबाद as सुल्तान। और जब कैकुसरो की मृत्यु हो गई तो उसके बाद लेकिन जब बलवन मरा तो जो उसके nobles थे उसकी डेथ के बाद उन्होंने कैकुबाद को एक सुल्तान के रूप में नॉमिनेट कर दिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट कैकुबाद रेन। कैकुबाद रेन 1287 to 1290। वाइल हिज फादर Bughra Khan asserted इंडिपेंडेंस इन बंगाल, कैकुबाद वॉज वेरी वीक एंड इनकम्पिटेंट एंड इवेंचुअली फेल टू स्ट्रोक एंड हैड पास टू रूल टू हिज 3 ईयर ओल्ड सन शमसुद्दीन क्योमस।
और जब जो नोबल्स थे उन्होंने केकुबाद को सिंहासन पर बैठा दिया, थ्रोन पर बैठाया 1287 में, तो उसका जो सॉरी केकुबाद जो था वो बुगरा खान का बेटा था, और लेकिन केकुबाद बहुत ज़्यादा वीक था और इनकम्पिटेंट था, इसीलिए वो ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया और उसका जो रूल था वो उसके 3 ईयर्स के बेटे शमसुद्दीन की उमर को पास कर दिया गया। हु वॉज इवेंचुअली डी थ्रोन बाई हिज गार्डियन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इन 1290 एंड ब्रिंगिंग एन एंड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। और जो क्यूमस था उसको उसके गार्डियन था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसने 1219 में उसको डिथ्रोन कर दिया और शायद उसको किल्ड कर दिया, और इस तरह जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका अंत हो गया, ख़त्म हो गया। यही लास्ट जो सुल्तान थे स्लेव डायनेस्टी के, अब ख़त्म हो गया। अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट खिलजी डायनेस्टी, इट वॉज द सेकेंड डायनेस्टी ऑफ डेली सल्तनत। सो दिस इज़ फॉर टूडे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, एंड यू कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स विच क्वेश्चंस आई हैव आस्क ड्यूरिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।